5-6 दिन में नहीं हूँ तो फिर क्या करना, गाड़ी सब साफ हो जाएगा ना, उसके बाद ये ना नीचे रख कर देना बाइक पर। 7:50 हो रहे एंड जस्ट अभी निकल रहे हैं अपन एयरपोर्ट के लिए, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले एक्चुअली अपनी फ़्लाइट है 7:30 बजे शाम की, लेकिन अब हम अभी निकल रहे हैं। सुबह सुबह ना हकलाना चालू हो जाता है क्योंकि यार कुछ खाया नहीं और नींद से उठा, एक्चुअली सोया हूँ 3 बजे और उठा हूँ 7 बजे, एंड अभी 8 बजने आए, 10 मिनट बाकी 8 बजने को, तो अभी निकल रहे एक्चुअली 10 बजे अपना अपॉइंटमेंट है। एंड यार बारिश स्टार्ट हो गई अचानक से जाने के वक्त, सो एक्चुअली 10 बजे अपना अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के जाना है, और फिर उसके बाद एक बैंक में काम है, तो वो सब काम निपटाते मुझे लगता है अपने को टाइम हो जाएगी, बिकॉज़ अपना 5 या 4 बजे ही अंदर अपने को चले जाना पड़ेगा एयरपोर्ट में, इसके लिए जल्दी जल्दी कर रहे ताकि फिर एक तो ट्रैफिक का भी टेंशन है, कब कहाँ ट्रैफिक लग जाए पता नहीं चलता, इसके लिए हम जल्दी निकल रहे हैं। एक्चुअली इसकी पार्किंग वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक कार लगी है, और यहाँ पे कैसा है ना रिस्की है, यहाँ से बाइक आती जाती रहती है, कभी लगा देंगे पता नहीं चलेगा, तो शायद आज केतन भाई जब रिटर्न में आएंगे तो उनको बोलूँगा शाम को कार वहाँ पे लगा दे अगर खाली रही, या तो फिर कहीं और। बस 5-6 दिन की बात है मेरी जान, नाराज़ मत होना, और आते ही पहले स्पॉइलर हम लगाने चले जाएंगे, बिकॉज नसीब इतना ख़राब है ना कि आज स्पॉइलर आ रहा है, इतने दिन आया नहीं जब तक हम यहाँ पे थे, और आज है 19 एक्चुअली, और कितने दिन हो गए, ऑलमोस्ट 13 डेज़ हो गए और अभी तक आया नहीं है, एंड आज आने वाला है, वरना मैं स्पॉइलर लगा के जाता। बाकी मैंने वॉचमैन भाई को बोल दिया है कि वाइपर नीचे कर देना, तो टेंशन मत लेना। आजू बाजू वाले भी सोच रहे होंगे किससे बात करो एक्चुअली। एग्जैक्ट 10 बजे और जस्ट अभी पहुँचे डॉक्टर के, और जाके पहले अपना जो भी है वो कर लेते हैं, और फिर इसके ही जस्ट अपोजिट में ओबेरॉय मॉल है, तो शायद वहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लेंगे। बारह बजने और जस्ट अभी हम लोग आए हैं ओबेरॉय मॉल पे, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा बैंक के लिए जो कि अंधेरी में है, और यहाँ से कुछ आधे घंटे का रास्ता बता रहा है। एक बज के 16 मिनट और जस्ट अभी पहुँचे बैंक में अंधेरी वाले, एंड यहाँ से काम निपटाते, अभी गिरते गिरते बचता था, अभी काम निपटाते और फिर निकलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए सीधा। एग्जैक्ट 5 बजे हम पहुँचे एंड इतना रश था अंधेरी में कि लिटरली बारिश चालू थी बीच में, और एक ब्रिज बंद होने की वजह से हम लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पहुँच नहीं पा रहे थे, तो अगले ब्रिज से जाना पड़ा, एंड वहाँ पे इतना रश ऑलमोस्ट 1 घंटा चले गया, जो कि 3 किलोमीटर का रास्ता था वहाँ से। अरे तो ऊपर ही तो जाना है। हम लास्ट टाइम जब आए थे एक्चुअली तो हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए थे, एंड ये है T1 और वो जो था वो T2 था, और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, एंड सीरियसली ये एयरपोर्ट की हालत, मतलब यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी देखो जस्ट अभी यहाँ पे एक जन ने खाया और यहीं रख के चले गया, एंड डस्टबिन सिर्फ यहीं था, यहीं सामने एक डस्टबिन है, मतलब लिटरली क्या मेंटेलिटी है। हम एयरपोर्ट पे आए या फिर स्टेशन पे है कहीं पे, जो ऐसी हालत करके रखी है और कोई देखने वाला भी नहीं है, एंड क्राउड भी एक्चुअली यहाँ पे कम है। एक्चुअली मैं जस्ट अभी वीडियोस चेक कर रहा था, एंड सीरियसली मैंने ना मॉर्निंग से अभी तक इंट्रो ही नहीं दिया। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप ब्लॉग तो मॉर्निंग में ही देखोगे ना, तो इसलिए मॉर्निंग विश कर रहा हूँ। एंड यहाँ से एक्चुअली हम जा रहे हैं गोवा, एंड हमारी एक्चुअली फ़्लाइट T2 से थी, लेकिन एंड टाइम पे वो T1 पे कर दी, तो हमको यहाँ पे आना पड़ा। एंड सीरियसली बोलो ना, यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है जितना T2 है, बिकॉज बट ऑब्वियसली बहुत पुराना एयरपोर्ट है,
एंड वो जो बनाया है T2 वो मेरे ख्याल से हार्डली 5 to 6 ईयर्स हुए होंगे, इसलिए वो अच्छा खासा है। तो हम जा रहे हैं गोवा, एंड गोवा ऐसा हो गया ना कि हर एक सीज़न में हम जाते रहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम गए थे रेनी सीज़न में हम जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो विंटर सीज़न, मतलब ऑल सीज़न, महीने में 3 से 4 बार हम तो गोवा ही जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल अपनी फ़्लाइट है 7:45 की, तो वेट करते हैं और चेक इन करते हैं और फिर मिलता हूं आप लोगों से। एंड गाइज, इतनी नींद आ रही है ना सही में बोलूँ तो, बिकॉज सुबह से एक्चुअली 3 या 4 ही घंटा मैं सोया हुआ, एंड सुबह से कंटिन्यू अभी तक सोया नहीं हूँ, मतलब एक नैप नहीं लिया है। तो हेडेक, नसीब है कि हेडेक नहीं हो रहा है, और मेरे ख्याल से एक हाफ एन आवर में फिर से जाऊँगा, ये कॉफ़ी पी लूँगा, बिकॉज नींद उड़ जाएगी तो टेंशन चली जाएगा। 6:43 और अपना ये सेकेंड कॉफ़ी है, एंड ये रही है अपनी फ़्लाइट जो कि इंडिगो है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे स्पाइस जेट से, तो इस बार पहले ही दिमाग लगा लिया कि स्पाइस जेट में जाना नहीं है, इंडिगो से ही जाना है। एंड जस्ट अभी पहुँचे। फिलहाल पैक्सटन आया होगा, मतलब अपना भाई, वो लेने के लिए, एंड अभी लगेज लेते जो कि मेरे ख्याल से नंबर 2 पे है। यार एक्चुअली ये है ना, ये वाला जो एयरपोर्ट है ना, ये नया वाला है, लास्ट टाइम हम जब आए थे वो दूसरा वाला था, और ये है ना काफ़ी बड़ा है और मस्त अच्छा है, स्पेशियस है। लाइक दूसरा वाला जो था उसमें इतना खास मज़ा नहीं था। एंड ये रहा स्टारबक्स, और अभी फ़िलहाल अपना ये रहा, हाँ ये रहा अपना लगेज का सेकेंड नंबर वाला। और इस बार लगेज का टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने जो टैग लगाया ना, मतलब ब्लैक कलर पे जो हमने चैनल का नाम लिखा है, उससे ना मेरे ख्याल से सब लोग मोस्टली नज़र वही रहेगी, एंड आई थिंक मुझे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आएगा वो पहले ही दिख जाएगा कि अपना ये बैग ही नहीं है अभी तक, और ना ही कोई लोग खड़े हैं, शायद लेट हो गया या क्या पता नहीं, लेकिन नसीब देखो एक बैग नहीं दिख रहा, और यहाँ से ही बैग ऊपर आता है, तो यहाँ भी अपना टाइम वेस्ट जाने वाला है। ये रहा अपना बैग, होपफुली ये इस बार बैग टूटा ना हो, एंड ये एक फायदा है नाम लिखाने का। चलो अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, इट्स 9:50 एंड आई थिंक 45 मिनट्स यहाँ से अपने को लगेंगे घर पे जाने के लिए। ये तो स्कैम हो गया, मतलब 2 का अनाउंसमेंट किया और आया एक्चुअली 3 पे, मतलब अगर हम यहाँ आके फिर से देखता नहीं ना तो सही में अपना बैग है ना लटक जाता, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता, मतलब अनाउंसमेंट एक्चुअली जब प्लेन में थे तभी 2 की थी, और फिर जैसे ही हम यहाँ पे आके देखे तो लोग भी नहीं, और सब 3 पे चले गए, मतलब ये गलत है यार एक्चुअली, लोगों को पता नहीं होगा तो वो क्या ही करेंगे। ये वाला एयरपोर्ट है ना एक्चुअली बहुत सही लग रहा है, मतलब देखो क्या मस्त चमक रहा है, और प्रॉपर गोवा में आए हो ऐसा फील आता है, क्योंकि बाहर देखो एक्चुअली जिस तरह की लाइटिंग्स है और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, गेट है, आई थिंक सेम लगता है कि हाँ गोवा में आए। ये रही अपनी हैरियर, साढ़े 11 हो रहे, जस्ट अभी घर पे पहुँचे हैं, एंड कसम से बहुत थक गया हूँ, लिटरली ऐसा लग रहा है अभी घर पे जाऊँगा तो खाना खाने के बाद मुझे लगता है मैं सीधा सो ही जाऊँगा, और कल से अब हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे, मतलब ट्रिप तो आज से ही स्टार्ट हो गई, लेकिन कल एक्चुअल में हम घूमने निकलेंगे बाहर, और लास्ट टाइम जब आए थे हम वो जगह पर नहीं जाएंगे, अब हम
कुछ नई नई जगह पे जाएंगे। एंड अभी आपने जो साउंड सुना, मतलब क्या व्यू है ना, इस तरफ जंगल एरिया और सुबह सुबह मस्त बर्ड्स और ये सब के साउंड सुनाई देते, एंड जस्ट इसके ये साइड में स्विमिंग पूल का व्यू है। मतलब टेंशन नहीं है कौन सी साइड का कौन सा व्यू चाहिए, दोनों है अपने पास। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, होप यू लाइक द वीडियो एंड टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Don't call me a liar.